नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ईशानी वर्मा। आइए देखते हैं गणेश पूजा स्पेशल में सुपौल की खास खबर। हमेशा रहेगा एक ही प्रयास, पंचायत में हो खुशहाली और विकास। ग्राम पंचायत छातापुर से सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार एवं प्रगति के पथ पर समाज को रखने वाली भावी मुखिया उम्मीदवार सुशीला देवी, पति बिजेंद्र कुमार मंडल उर्फ बउआ मंडल को अब की बार मुखिया बनाकर पंचायत का विकास करने का मौका दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ कृतिका कृति। आज हम गणपति बप्पा के गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान मौजूद हैं त्रिवेणीगंज के दुर्गा मंदिर में। यहां पर हर वर्ष गणपति बप्पा के सेवा समिति के माध्यम से पूजा का आयोजन किया जाता है और यहां मूर्ति स्थापना, मोदक, प्रसाद, हर चीज का आयोजन इन्हीं सेवा समिति के माध्यम से किया जाता है। आपको एक और खास बात बता दें कि इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं भी की गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहां पर पूजा का भव्य आयोजन देखने को मिल रहा है। तो इसी दौरान आप यहां देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत तौर तरीके से मूर्ति की साज सज्जा की गई है। आइए इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं इस आयोजन के महंत, जो इन्होंने यहाँ की जो पूजा अर्चना की व्यवस्था या फिर पूरा संचालन कहें पूजा अर्चना से संबंधित, इनका इनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। तो आइए बात करते हैं पूजा अर्चना के महंत से। सर, हमें बताइएगा कि यहाँ पर क्या कुछ आयोजन किया गया, किस विधि प्रकार से, जो भी आप कुछ खास बताना चाहें हमारे दर्शकों से। यहाँ सबसे पहले हम जो सृष्टि की जननी है उसके दरबार में, ये सृष्टि की जननी के पुत्र जो सिद्धि विनायक हैं उनकी ये नव दिवसीय पूजन का आयोजन किया गया है, जो भव्य वैदिक परंपरा के अंतर्गत ये वैदिक पद्धति के अनुसार यहाँ की पूजा हो रही है। प्रत्येक दिन प्रातःकालीन पूजा आरती, ठीक 2 बजे दोपहर में 1100 मोदक का भोग एवं फिर संध्या 7 बजे महाआरती, सारी पूजा वैदिक पद्धति के अनुसार की जाती है। धन्यवाद। तो आपने सुना महंत जी को, बिल्कुल वैदिक परंपरा का पालन करते हुए बड़े ही शुद्धता के साथ भव्य तौर तरीके से पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। अब हम बात करते हैं इस बप्पा पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष, सचिव, जो भी यहाँ की व्यवस्था को देख रेख कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन व्यवस्था को आयोजित करने में क्या कुछ कठिनाइयाँ आई, क्या चुनौतियाँ रहीं और क्या कुछ बेहतर रहा, इनके मन में क्या भाव रहे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आकाशवाणी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कोरोना काल में जो पूजा अर्चना बप्पा पूजा सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है इसकी कवरेज करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी चैनल को मैं देना चाहता हूं, न्यूज़ चैनल को। और मैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो मैं कार्यक्रम बप्पा पूजा सेवा समिति द्वारा 2015 से गणेश महोत्सव की आयोजन यहाँ किया गया था और उसको निरंतर हम लोग करते आए हैं। पिछले साल COVID-19 के चलते बहुत कम दिन की और काफ़ी ही किसी भी प्रकार का मैंने कोई सार्वजनिक पूजा नहीं करवाया था और COVID-19 को देखते हुए सिर्फ पूजा करके मैंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया था। लेकिन इस बार बिहार सरकार के द्वारा जब सभी धार्मिक स्थल को खोला गया, सभी आयोजनों के लिए जो यहाँ व्यवस्था की गई, मैं उस प्रोटोकॉल के तहत जो अनुमंडला पदाधिकारी महोदय का प्रोटोकॉल है कि COVID-19 को देखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसकी मैं प्रथम प्राथमिकता देना चाहता हूँ। मैं पंडाल में आने से पहले किसी भी व्यक्ति को यहाँ देख सकते हैं कि मैं काउंटर पर मास्क रखा हूँ। मैं निःशुल्क यह मास्क, सैनिटाइज और वो जो मशीन देख रहे हैं आप, वो सैनिटाइज मशीन है, उस सैनिटाइज मशीन को के माध्यम से सैनिटाइज भी करते हैं
और अगर मैं किन्हीं को प्रसाद तब देता हूँ जब वो मास्क लगाए रहता है। मैं किसी को चंदन तब लगवाता हूँ जब वो मास्क लगाए रहता है। बिना मास्क का मैं किसी को भी पंडाल पूजा के अंदर प्रवेश का इजाज़त नहीं है और नहीं मैं देना चाहता हूँ। फिर भी जो मुझे परेशानी होती है, काफ़ी भीड़ें होती है, उसको नियंत्रण करना, उसकी दूरी बनाना, उनको सैनिटाइज करना, उनको मास्क पहनाना, हमारे जितने भी बप्पा पूजा सेवा समिति के सदस्य हैं वो निरंतर किसी न किसी समय पर अपना जो निर्धारित उनका समय है उसमें आकर वो यहाँ जो है व्यवस्था को देखते हैं। तो सुना आपने सेवा समिति के सचिव को, पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष से, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ मेहनत लगी है, बहुत बहुत कुछ इसमें करना पड़ा होगा, बहुत सारे भाव भी रहे होंगे, आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। जी, मैं बप्पा पूजा सेवा समिति का अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, और हम लोगों को बप्पा पूजा आयोजन करने में परेशानियां तो बहुत हुई, लेकिन हमारे भक्तों का, त्रिवेणीगंज के और नगरवासियों का और प्रशासन का सहयोग और सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग मिला, और सरकार के जो गाइडलाइन हैं कोरोना के तहत वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूजा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी की जाए। और बाकी तो बहुत सारी बातें हमारे कमेटी के सचिव जी आपको बता ही चुके हैं। मनीष जी, करते हैं यहाँ पर पूजन करने के लिए आए वे कुछ लोगों से और जानते हैं इनके क्या कुछ भाव हैं। आपको यहाँ का आयोजन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मूर्तियाँ सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। पप्पा से आपने कुछ मांगा? मांगे कुछ कहेंगे? आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आई हैं, पप्पा से क्या मांगना चाह रही थी? क्या मांगना चाहिए बताइए, कुछ क्या मांगना चाह रहे हैं, कुछ अच्छी जॉब के लिए या क्या कुछ अपनी मनोकामना लेकर आए होंगे आप? कुछ मनोकामना लेके तो आए हैं, जो पूरा होगा तब तो अच्छा लग रहा है। बस मंदिर में आकर अच्छा लग रहा है, मतलब सबों का यही कहना है कि मंदिर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर किसी ने बहुत सारी मनोकामनाएं मांगी है बप्पा से, अब उनके पूरे होने की आस है। कुछ लोग यहाँ पूजा समिति के कार्यों की भी सराहना कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस को लेकर भी और यहाँ के साज सज्जा को भी लेकर। तो देखते रहिए आकाशवाणी न्यूज़, हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही कुछ बेहतरीन खबरों को लेकर, और आकाशवाणी न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।